किसी ऑडियो या वीडियो के बारे में अगर हमें ये जानना है कि वो डीप फेक से तैयार की गई है या नहीं, तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो है कि प्रोफेशनली तौर पे हम उसको जानें और प्रोफेशनल लोग उसको बताएं, और दूसरा ये है कि एक आम पब्लिक के सामने जब कोई वीडियो आए तो आम पब्लिक फैसला कैसे करे कि ये डीप फेक वीडियो है से जनरेटेड वीडियो है या ऑडियो है। तो पहले मैं प्रोफेशनल बता देता हूँ। देखें, प्रोफेशनल ये बाकायदा एक प्रोफेशन है कंप्यूटर साइंस के अंदर, बाकायदा एक मुख्तस एक डेडिकेटेड शोबा है जो कि इस तमाम चीज़ों को डील करता है, और उसको बाकायदा हम कहते हैं मीडिया फॉरेंसिक्स या डीप फेक फॉरेंसिक्स या वीडियो और ऑडियो फोर्जरी डिटेक्शन। और इसके लिए बाकायदा आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन होती हैं, उसके लिए बाकायदा आपको ट्रेनिंग चाहिए होती है, कंप्यूटर साइंस की एक्सपर्ट ट्रेनिंग। उसके बाद फिर आप जो है ये इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोफेशनली कि जो भी आपके पास कंटेंट है, चाहे वो ऑडियो हो या वीडियो हो, वो डीप फेक के ज़रिए से तैयार किया गया है या नहीं। अब मिसाल देके मैं आपको समझाता हूँ। प्रोफेशनल अगर कोई एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के अंदर एक वीडियो बनाई गई, और ये वीडियो जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो जो है ना ट्रिब्यूनल के सामने पेश करना चाहेंगी ताकि जो है उसको लीगल प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बनाया जा सके और उसके बेसिस पे एक वर्डिक्ट जारी किया जा सके कि भाई कौन कसूरवार है एक पर्टिकुलर एक्सीडेंट का। तो उसके लिए देखें, यहाँ पे वीडियो जो कंटेंट है वो क्रेडिबल होना चाहिए, उसके अंदर कोई तब्दीली या रद्द मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए प्रोफेशनली तौर पे दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक एक्टिव मेथड्स होते हैं जिनके अंदर पहले से ही वीडियो की इंटेग्रिटी को पहले से ही इंश्योर कर लिया जाता है, उसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, हैशिंग मैकेनिज्म है, उसके ज़रिए से उसको सिक्योर किया जाता है। और दूसरा पैसिव मेथड्स होते हैं जिनके अंदर आपके पास जब वीडियो आती है उसके बाद फिर आप ये डिटरमाइन करते हैं कि ये जो वीडियो है ये इसमें मॉडिफिकेशंस हैं, इसमें कोई ऑल्टरेशन हैं कि नहीं है, या ये डीपफेक के ज़रिए से जनरेट की गई है कि नहीं की गई। उसके अंदर नॉइस लेवल्स आप चेक कर रहे होते हैं या कंप्रेशन आर्टिफैक्ट को चेक कर रहे होते हैं, और फिर आप वीडियो की या ऑडियो की इंटेग्रिटी के बारे में बता रहे होते हैं। तो प्रोफेशनली तौर पे तो बाकायदा इस तरीके से आप ये डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी ऑडियो या वीडियो ये डीप फेक के ज़रिए से जनरेट की गई है कि नहीं की। डीप फेक बेसिकली जो नॉर्मली हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के एडवांस एल्गोरिथम्स हैं जिनको हम जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स गैन्स का कहते हैं। अब ये गैन बेसिकली जो है ना इसका जो आर्किटेक्चर होता है ये दो कंपोनेंट पे मुनसर होता है। इसमें एक तो जनरेटर होता है जो कि आपका कोई भी ऑडियो वीडियो या इमेज जनरेट करता है, और दूसरा आपका जो है वो डिस्क्रिमिनेटर होता है। डिस्क्रिमिनेटर जो है ना वो जो है ना डिस्क्रिमिनेट करता है आपके जो रियल इमेज को फेक जनरेटेड इमेज के साथ, और फिर इस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये गैन्स जो हैं ये दोनों पर्पज़ में यूज़ हो सकते हैं। गैन्स की मदद से आप डीप फेक कंटेंट जनरेट भी कर सकते हैं यानी ऑडियो या वीडियो, और इन्हीं गैन्स एडवांस एल्गोरिथम्स की मदद से आप ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो 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 वीडियो या ऑडियो है ये रियल है या फेक है। अच्छा, अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि आवाम कैसे डिटरमाइन करे कि आपके सामने कोई वीडियो आती है या ऑडियो आती है ये डीप फेक से जनरेटेड है कि नहीं है, तो देखें आवाम के लिए तो थोड़ा मुश्किल है और उसके लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अभी कुछ अर्से पहले ऐसी साइंटिफिक रिसर्च हुई है जिसके अंदर बाकायदा एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से इस बात को साबित किया गया है कि डीप फेक को आवाम के लिए डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल काम है। अलबत्ता अगर आवाम को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और उनको बाकायदा जो है ना डीप फेक की वीडियोज़ या ऑडियोज़ को आइडेंटिफाई करने के तरीके समझाए जाए, तो फिर ये जो उनकी जो डिटेक्शन कैपेसिटी होती है वो थोड़ी सी बढ़ सकती है। अच्छा, अब हम फिर कैसे किसी भी डीप फेक ऑडियो या वीडियो को डिटेक्ट करेंगे? तो देखें, सबसे पहले तो जब आप किसी भी पर्सन की ऑडियो या वीडियो आपके पास आती है और आपने ये डिटरमाइन करना है कि ये डीप फेक के ज़रिए से जनरेट की गई है कि नहीं की गई, तो पहली चीज़ तो होती है उस पर्सन का जिसे कहते हैं बयानिया, या जिसे कहते हैं कि प्रोफाइल बिल्डअप। आप एक बंदे के मुतालिक सुनते रहते हैं, उसकी उसके नज़रियात को आपको पता चल जाता है, उसका प्रोफाइल एक आपका डेवलप हो जाता है। तो जब आपके पास कोई वीडियो आती है और वो उसके उस प्रोफाइल से पास हिस्टोरिकल स्टांसिस से मैच ना करे तो डेफिनेटली
आप यानी एक अलर्ट जनरेट करें कि यार ये लगता है कि ये इसमें कोई प्रॉब्लम है इसकी इस वीडियो के अंदर या ऑडियो के अंदर, क्योंकि ये इसके पिछले तमाम नज़रियात से बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म की ऑडियो या वीडियो है, कंटेंट है। तो एक चीज़ तो ये कि आप उसका प्रोफाइल बिल्डअप करके आप ये डिड्यूस कर सकते हैं, मगर ये भी इतनी ज़्यादा कॉन्क्लूसिव नहीं है, ये आम आवाम के लिए एक इनिशियल हिंट है। इसी तरीके से फिर आप ये देख सकते हैं कि जो है जो वीडियो है उसमें लाइटनिंग कैसी है, इसके अलावा जो जो ऑडियो है, ऑडियो ऑडियो क्वालिटी है, क्या ऑडियो उस बंदे की पर्सनालिटी के साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही, आवाज़ बारीक है और बंदे बंदे की जो पर्सनालिटी है वो भारी आवाज़ वाली है, या इसके अलावा उसकी जो फेस एक्सप्रेशंस हैं, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ है, या अगर उसने सनग्लासेस वगैरह पहने हुए हैं या ग्लासेस पहने हुए हैं तो उसका उसमें लाइटनिंग रिफ्लेक्शन क्या हो रही है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप विजुअली डिटरमाइन कर सकते हैं, मगर अगर बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड किस्म के डीप फेक एल्गोरिथम्स की मदद से वीडियो या ऑडियो जनरेट की गई हैं, तो फिर आम पब्लिक उसको डिटेक्ट नहीं कर सकेगी, उसके लिए फिर हमें प्रोफेशनल्स के पास ही जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक सिंपलिस्टिक उसका प्रोसेस बता देता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। मिसाल के तौर पे एक डीप फेक वीडियो जनरेट करनी है ना, तो जनरेशन का प्रोसेस ये होगा कि कोई एक आपके पास बंदा है, कोई पर्सनालिटी है, तो उससे मुतालिक आपके पास 50 या 100 वीडियोस आ जाएंगी, और उन वीडियोस को लेके आप एल्गोरिथम में, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में गैन को प्रोवाइड करेंगे, इसको हम डेटा सेट कहते हैं। तो हमारा जो एल्गोरिथम है वो इस वीडियोस के अंदर से उसके फीचर्स को लर्न करेगा, और लर्न करने के बाद वो क्या करेगा, एक नई वीडियो जिसे हम डीप फेक वीडियो कहते हैं उसको जनरेट कर देगा, जो उन्हीं फीचर्स से मिलती जुलती होगी। अब जितनी ज़्यादा हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे, यानी जितनी ज़्यादा वीडियोस हम कंटेंट उसको प्रोवाइड करेंगे ट्रेनिंग फेज़ के अंदर हमारे एल्गोरिथम को, उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट हमारी जनरेटेड डीप फेक वीडियो होगी, और इस तरीके से हम वीडियो को जनरेट करेंगे डीप फेक। अच्छा, अब डीप फेक कोई वीडियो हमारे पास आती है या ऑडियो आती है तो अब हम उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे? उसको डिटेक्ट करने का तरीकाकार ये होगा कि मिसाल के तौर पे कोई पॉलिटिशियन है या कोई मशहूर बंदा है, उसकी हमारे पास एक वीडियो आ गई। अब उसी बंदे की हम और जितने भी ऑडियो या वीडियोस हैं 50 की तादाद में या 100 की तादाद में वो कंप्यूटर को देंगे और ये एक वीडियो देंगे। तो ये जो हमारा एल्गोरिथम होगा, मशीन गैन का एल्गोरिथम, ये वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रियल वीडियोस हैं उनको लर्न करेगा, उनके फीचर्स को लर्न करेगा, और फिर ये जो दूसरी जो जो हमने इनपुट जो है उसको प्रोवाइड की है वीडियो, उसको उसके साथ कंपेयर करेगा। अगर दोनों के फीचर्स मिसमैच होते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, तो फिर जो है वो ये डिक्लेयर कर देगा कि ये जो वीडियो है ये डीप फेक वीडियो है या ऑडियो। इस तरीके से जो है ना डीप फेक वीडियो की जनरेशन भी होती है और डिटेक्शन भी होती है।